मुझे इससे ज़्यादा बड़ा होना है, मुझे बिगर पिक्चर देखनी है। प्लास्टिक सर्जरी होगी और हम तुम्हारे जांघों से स्किन लेके यहाँ पे डालेंगे। और आज मैं एक राइटर हूँ, एक एडिटर हूँ, एक इन्फ्लुएंसर हूँ। वो मेरी ज़िंदगी का पहला एकदम बहुत ही सख्त लेसन था कि हम एक बहुत छोटे घर में रहते थे, एक बेडरूम का घर होता था हमारा। लाइट्स जाती थी, एसी नहीं थी हमारी, इन्वर्टर नहीं था, कुछ नहीं था। जब लाइट्स जाती थी हम छत पे सोते थे। हमारा स्कूल सब हो गया था बट वी हैड रिच रिलेटिव्स जो हमें अपने हाल पे ही छोड़ लेते थे। वो कभी घर नहीं आते थे क्योंकि उनको जेंट्री पसंद नहीं थी। सो ये सब होता था। एड टू दैट एक ऐसे पिता जो चीटेड ऑन हिज वाइफ एंड उनको अकेला छोड़ दिया, भाई तुम दुनिया का सामना करो, मैं तो हूँ ही नहीं। वहाँ से फिर एक डोमेस्टिक वायलेंस का एनवायरनमेंट, ये सब एक साथ मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और वो मैंने भी किसी भी तरह अपने आप पे विश्वास नहीं छोड़ के मैं किसी भी तरह उससे बाहर निकल के आई कि मुझे इससे ज़्यादा बड़ा होना है, मुझे बिगर पिक्चर देखनी है, जहाँ पे मैं लड़की लड़का ये सब फ़र्क ही ना हो, ये डिसेबिलिटी ये सब कुछ भी ना हो, बस हम इंसान होने के नाते अपनी खुद की अहमियत को समझें और कुछ करें उसके साथ, अपने लिए, दुनिया के लिए। सो मैंने वो किया और आज मैं एक राइटर हूँ, एक एडिटर हूँ, एक इन्फ्लुएंसर हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आई थिंक मैं एक इंसान हूँ। मैं एक आम इंसान हूँ, मैं एक आम लड़की हूँ। मैं एक बहुत छोटे शहर से हूँ, बिहार, और मेरी कहानी यही है कि मैं आप में से किसी जैसे, किसी की भी जैसे हो सकती हूँ। आप मेरे जैसे हो, मैं आपके जैसे हूँ। एक छोटा सा फ़र्क है कि अभी आज ये मेरी कहानी है, और मेरी कहानी ये है कि मुझे एक डिसेबिलिटी है। मैं एक लड़की हूँ जिसकी डिसेबिलिटी उसकी शक्ल पे है। मेरे कंडीशन को माइक्रोशिया कहते हैं। इसका मतलब ये है कि मेरा एक कान नहीं है और यहाँ से मुझे सुनाई नहीं देता, लेकिन यही मेरी प्रॉब्लम नहीं है। समाज के मुताबिक मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं एक लड़की हूँ और मेरे शक्ल में कोई कमी है। एंड इंडिया में रह के ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि किसी वजह से लोग इस बात से कभी उभर के नहीं आ सकते कि भाई ये एक लड़की है और इसे अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक जीने का पूरा हक है। क्योंकि नहीं, हमारी 18 साल के बाद हमारी शादी की बात सबके जहन में आ जाती है। तो मेरे लिए ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी बिकॉज मेरी कमी यही है कि मेरे पास एक कान नहीं है। बट ये बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है लाइफ में जो लोग बड़ा बना लेते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिंदगी में आपके अपने ही आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप समाज की तरह नहीं हो, और फिर आपकी वो सोच हो या आपकी वो शक्ल पे हो, आप जैसे दिखते हो, आप जो करते हो, वो सब में आता है। मैं जब दिल्ली आई थी तो मेरे परिवार वाले सब एक साइड हो गए और मैं एक साइड, क्योंकि उनके मुताबिक मैं पूरी नहीं थी, मैं कंप्लीट नहीं थी। लेकिन मेरे लिए ये कभी, ये सोच मेरे दिमाग में कभी आई ही नहीं, क्योंकि जब से मैं छोटी थी, जब भी मैंने आईने में देखा तो मैंने खुद को बड़े खुशी से देखा। मेरे सपने थे और मुझे वो सपने सच करने थे। मुझे अपनी करियर बनानी थी, मुझे कुछ बनना था। उसके आगे पीछे मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। सो जब मैं 20 साल की उम्र में डॉक्टर के पास गई एक आखिरी बार, और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई
तुम्हारी सर्जरी करानी पड़ेगी, प्लास्टिक सर्जरी होगी, और हम तुम्हारे जांघों से स्किन लेके यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे स्कार होगा, और यहाँ पे स्टिचेस होंगी, और ये ड्रिल होगा, ये इंसिशन होगा। मैं बस वहीं पे बैठ के यही सोच रही थी कि क्योंकि मेरे परिवार के लोग, समाज और ये डॉक्टर जो जिनका काम है लोगों को अच्छा फील कराना, ठीक महसूस कराना, ये सब मुझसे कह रहे थे कि भाई तुम में कुछ कमी है और हम उसे फिक्स करना चाहते हैं। मुझे वही सुनाई दिया और कुछ नहीं। मुझे लगा कि भाई इससे पहले मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं फुल नहीं हूँ, मुझे कुछ करने का हक ही नहीं है क्योंकि मैं फुल नहीं हूँ, क्योंकि मेरी शादी होगी किसी पॉइंट पे और मुझे उसी के बारे में सोचा है, क्योंकि सब उसके बारे में सोच रहे हैं। और मैं बहुत ज़्यादा रोई, एंड उस रोने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि बस मुझे ऐसा सोचना ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं ही सोचने लगी ऐसा तो फिर मेरा कुछ नहीं होगा। मैं यही होंगी, मेरा स्कूल ख़त्म हो जाएगा, कॉलेज ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मैं 9 to 5 वाली छोटी सी नौकरी कर लूँगी और मेरी शादी कराई जाएगी, बस इतना ही होगा मेरा। लाइक व्हाट ड्रीम्स, कौन सा सपना, कौन सा करियर, कुछ नहीं है, बस मुझे अपना कान ठीक कराना है, बिकॉज मेरे पास एक कान है। एंड ये सबको खटकती थी फॉर सम रीज़न, मुझे छोड़ के, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था लेकिन बाकी सबको प्रॉब्लम हो रही थी। दैट वॉज माई फर्स्ट लेसन, वो मेरी ज़िंदगी का पहला एकदम बहुत ही सख्त लेसन था कि तुम अगर खुद के लिए खड़ी नहीं हो सकती तो कोई तुम्हारे लिए खड़ी नहीं होगा। तो बहन अब झिझक नहीं, बातें करेंगे। जोश टॉक्स आशा इज हियर टू बी योर बेस्ट फ्रेंड, योर बड़ी बहन एंड योर फेवरेट सीनियर इन ऑफिस। तो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी की ग्रोथ के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू जोश टॉक्स आशा।